अदानी पावर की किस्मत क्या जल्दी से खुलने वाली है, इसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। इनकी चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि हम जाएंगे मार्च के महीने, मार्च 2022 के महीने में हम अडानी पावर की अब एक समीक्षा करेंगे। जब मार्च के महीने में यानी कि 19, 20, 21, 22 तारीख मान लो, मुझे याद नहीं है, तब एक न्यूज़ निकल कर आई है कि अडानी पावर 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाना जा रहा है, और ये मुझे इतनी पॉजिटिव लगी। सर उस टाइम शेयर आपका 128-29-30 रुपये करीब का था, इतने होगा। तो वहाँ पर मैंने इसकी बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई है। जिन्होंने भी मेरी अडानी पावर की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, वो तब किया है जब अडानी पावर ने अपनी 6 कंपनियों को, जो सहायक कंपनी है, अपने साथ मिलाया और इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उजाले आते हुए दिखाई दिए। क्यों दिए सर? क्योंकि इनकी 6 कंपनियां थी। अब इन 6 कंपनियों में जो भी काम होगा, खर्चा होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, वो अब अडानी पावर में आने वाला था, और इसकी वजह से आपको शेयर ने उछाल करके दिखाया। ये मैं पीछे की तरफ गया ना, तो मैंने देखा कि इस न्यूज की वजह से अडानी पावर के शेयरों में तेजी के संकेत मिले। एक तो ये बात याद रखना कि 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाया, इसमें आगे बताऊंगा होना क्या है। अब दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आई है सर, अगस्त के महीने में आई है, जब अडानी पावर ने दोनों एक्सचेंजों को कहा कि वो डीबी पावर जो है ना, तो वो अधिग्रहण करने वाले हैं। अब एक न्यूज़ थी 6 कंपनियों को मिलाने वाली, उसने तेजी दिखाई है। अब दूसरी न्यूज़ थी डीबी पावर को, जो एक बड़ी कंपनी है, उसको ये अधिग्रहण करने के लिए सूचना दी कि हम डील करने वाले हैं। अब इस सूचना से शेयर आपको 4 से 31 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया करीब। दो न्यूज़ के कारण, और दो न्यूज़ बम्पर न्यूज़ थी। अब हम एक चीज़ समझेंगे सर, कि जब अडानी पावर ने बीच में कहा कि वो दिसंबर के एंड में अपना डीबी पावर का अधिग्रहण कर लेगा, तो वहाँ पर भी थोड़ी तेज की देखने को मिली। लेकिन फिर उसने अपनी जो समय सीमा को बढ़ाया, कब तक बढ़ाया? 15 जनवरी तक बढ़ाया सर, और 15 जनवरी तक भी कहा है कि अधिग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं आ गया, कर लेंगे नहीं आया। तो जब कर सकते आ गया ना, तो यहाँ पर 70-80% हमें मानकर चलना पड़ेगा कि अब ये दिन जो आने वाले हैं 15 जनवरी तक, अडानी पावर में तेजी लाकर दिखाएंगे। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब अडानी पावर ने अपनी 6 कंपनियों को अपने साथ मिलाया, तेजी आई। फिर डीबी पावर के साथ इसने ऐसा समझौता किया, वो 15 जनवरी को पूरा होने वाला है। हो सकता है कि अगर डीबी पावर का अधिग्रहण करें तो क्या उसके जो सारी चीज़ें फिर अडानी पावर के नाम से गिनी जाएगी? अगर अडानी पावर के नाम से डीबी पावर का अधिग्रहण करते ही उसे 6 कंपनियों के साथ 7वीं कंपनी में मिला दिया जाए, तो फिर अडानी पावर आपको बहुत तेज़ी के संकेत दिखाएगा। ये हो सकता है, ये मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ सर, इसमें ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना, लेकिन एक सिचुएशन पैदा कर रहा हूँ, इसको समझ कर चलना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है सिचुएशन के अनुसार है। 6 कंपनियों को मिलाया था, अब दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं, ये है थर्मल की, और कोयला आयात भी हो रहा है। किस चीज़ के लिए हो रहा है? घरेलू कोयले में मिलाने के लिए। तो ये थर्मल से भी काम करती है, कहीं ना कहीं इससे अगर अडानी पावर में मिल जाएगी ना, 6 कंपनियों को इन्होंने पहले मिलाया, बहुत तेज़ी आई है। फिर डीबी पावर से जो बात हुई थी उसमें तेज़ी आई है। फिर ये 15 जनवरी आया, अब ये गिरावट हो रही है। क्यों गिरावट है? क्योंकि लोग सोचेंगे भाई हो तो कुछ ना नहीं है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर तेज़ी के संकेत लग रहे हैं। अगर डीबी पावर का अधिग्रहण ये 15 जनवरी को कर लेंगे, भाई मैं किसी चीज़ का अधिग्रहण कर रहा हूँ, या तो फिर मैं उसके शेयरों को उसी कंपनी के अनुसार चलाऊंगा, या फिर उसे अपनी कंपनी में उसकी अपने साथ समायोजित करूंगा। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आगे होंगी, तो मैं इसलिए इसकी पीछे की तरफ जो गया था, जिसने इसके शेयरों पर आग जो लगाई है, दो न्यूज़ ने लगाई, और दोनों न्यूज़ का इफ़ेक्ट अब 15 जनवरी में पड़ने वाला है, क्योंकि 6 कंपनियों को पहले मिला चुके हैं, अब ये 7वीं कंपनी अडानी जो करना चाह रहा है डीबी पावर के साथ, यानी ये भी मिल सकती है, तो ये भी न्यूज़ पूरी कर रही है वो। फिर जो अधिग्रहण कर रही है, तो इसके अंदर भी बहुत तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पहले भी शेयर आपको तेज़ी दिखा चुका है, और ये काम अब पूरा होने वाला है। पहले बिना काम के तेज़ी थी, और अब पूरा होने के नाम से तेज़ी है, तो हो सकता है कि अब आपको अडानी पावर अच्छे टारगेट भी दिखा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये काम 15 जनवरी को हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है हो सकता है, तो सारी समझौते को अपने अनुसार मिलाइए। और एक